आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवरती देखील हा दौरा महत्त्वाची आणि प्रभावी भूमिका बजावण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते। रामचंद्र की, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, भवानी। राम भक्त पवन पुत्र हनुमान की, सबको बांट बोलो, सब संतन की, शरयू मैया की, सगळ्यांना कहाँ लगे मनापासून खूब खूब शुभेच्छा। सभी राम भक्तों का मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री के नाते मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। सगळ्यांना मनापासून धन्यवाद, सगळ्यांचे मनापासून आभार। खरं म्हणजे हिंदी तो बोलतो, ये महाराज जी बोल रहे, हिंदी में बोलो। आज हमारे लक्ष्मण किला के आदरणीय महंत मैथिली शरण महाराज जी और आरती का आयोजन करने वाले हमारे शशिकांत महाराज जी, इनको मैं, हमारे सभी मंत्री, हमारे सभी नेता, हमारे सभी सांसद, हमारे सभी विधायक, हमारे सभी जिला प्रमुख, हमारे सभी कार्यकर्ता, शिव सैनिक और हमारे मंत्री जी तो है, स्वतंत्र देव जी मंत्री जी, महाराज ने मंत्री जी बोला, कल से मेरे साथ है और उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इस राज्य के मुख्यमंत्री योगी जी, इन्होंने अच्छा नियोजन किया है और बहुत ही बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उनको। कली से आप लोग दो दिन तीन दिन पहले से यहाँ पर सब लोग अयोध्या आए थे और हर बार तैयारी के बहाने, नियोजन के बहाने मैं आता था, लेकिन इस बार मैं मुख्यमंत्री होने के नाते आप सभी लोगों ने नियोजन किया है और सबसे बड़ा अच्छा नियोजन आप लोगों ने किया, इसलिए मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। लखनऊ से लेकर अयोध्या तक एक पूरा माहौल भगवामय हो चुका था, क्या बोलते हैं, केसरिया माहौल यहाँ पर देखने मिला, इसलिए मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और एक इतना ही कहता हूँ कि आज के सुबह रामलला का दर्शन हुआ, उसके बाद हम राम मंदिर का निर्माण देखने गए, हनुमान गढ़ी गए, लक्ष्मण किला गए और अभी शरयू की आरती हमारी हुई है। अभी हमारी यात्रा सफल हो गई ना जी, अभी यात्रा सफल हो गई है, बोले महाराज बोल रहे हैं और इसलिए मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। हमारे सब वरिष्ठ नेता लोग हैं यहाँ पर, हमारे सभी पदाधिकारी हैं, सुबह हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी भी दर्शन और आरती को आए थे रामलला के मंदिर में, उनको जाना था लेकिन फिर भी हम सब लोग यहाँ आए हैं, इसलिए वो भी दर्शन को आए, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इतने बड़े संख्या में आप लोग आने के बावजूद कहीं पर भी थोड़ा धक्का मुक्की सबको हो गई है, लेकिन इतने बड़े आयोजन में थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ये स्थानीय प्रशासन जो है, यहाँ की पुलिस है, एसपी है, कमिश्नर है, आईजी है, डीआईजी है, एसडीएम है, डीएम है, मतलब कलेक्टर,
तो ये सभी लोगों को, बाकी प्रशासन के जितने भी लोग हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सभी लोगों के वजह से ये यात्रा हमारी जो है सफल हो गई है और सभी लोगों को ये राम लल्ला का दर्शन लेना आसान हुआ है। और इतना ही मैं कहूँगा, ये फिर एक बार मैंने अभी वहीं पर भी कहा था, राम लल्ला अयोध्या ये हमारे लिए श्रद्धा और आस्था का विषय है, हमारे लिए बहुत ही अस्मिता का विषय है। और इसलिए हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाबा साहेब ठाकरे जी के जमाने से इसका महत्व अयोध्या का हमारे लिए बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। इसमें कोई लोग क्या क्या बोलते हैं, लेकिन हमारे इस यात्रा में बिल्कुल राजनीतिक मुद्दा नहीं है, हमें इसे राजनीति का मुद्दा कभी बनाया नहीं, बनाएंगे नहीं ये। और ये हमारे लिए श्रद्धा की बात है, अस्मिता की बात है, आस्था की बात है। और ये अयोध्या और रामलला ये हिंदुत्व का एक प्रतीक है, और इसलिए लाखों करोड़ों लोगों की जो भावना थी, मैंने अभी भी कहा वहाँ पर, ये भावना हिंदू हृदय सम्राट जी की भी थी, बाबा साहेब ठाकरे जी की थी, क्योंकि यहाँ पर राम मंदिर बने और उसका काम जोर शोर से शुरू हुआ है। और इतना ही मैं कहूँगा कि इसमें हमारे धर्मवीर आनंद गे जी, हमारे आनंद गे साहब ने कार सेवा में चांदी की ईंट भेंट दी थी, ये भी मुझे पता है। और इसलिए मैं सभी लोगों को फिर एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग उपस्थित हैं, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, ये हमारा भी रिश्ता बहुत ही अटूट हो गया है, जोरदार हुआ है, इसलिए मैं सबको फिर एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ पर हमारे सामने मीडिया के लोग हैं, उनको भी बहुत बहुत, आप लोगों को लगा कि आप लोग को भूल गया, ऐसा नहीं है, आप भी तीन चार दिन से यहाँ पर मौजूद हो और आपको भी धक्का मुक्की का सामना करना पड़ा है, लेकिन किसी को अगर गलती से कुछ तकलीफ हुई हो तो आप समझ के लीजिए। और इसलिए भी मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपको उधर बोट में भी है, सभी लोगों को फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आप लोग सगयाना मनापासून धन्यवाद, जैसे आप लोग आए हैं, पुलिस का तो पुलिस को तो मैंने धन्यवाद दे दिया है, पुलिस को बहुत तकलीफ हो गई, आईजी है, डीआईजी सब लोग हैं, अभी वो प्रोटोकॉल करते थे बेचारे, उनको उनका तो ड्यूटी है, लेकिन ये मंत्री ऐसा है कि पब्लिक में घुस जाता है, तो आपको तकलीफ हो गई है। तो यही मेरी विटामिन है, यही मेरी ऊर्जा है, और इसलिए आपको भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपको बहुत तकलीफ सहनी पड़ी, जो ट्रेन से आए हैं, 36 घंटे का जो प्रवास करके वो आए हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आणि तुम्हाला मी सगळ्यांना मनापासून धन्यवाद देतो, तुम्ही रेल्वेचा प्रवास करून या इथे शोभा वाढवलेली आहे रामलल्लाच्या यात्रेची। पण तुम्हाला मी सांगतो, आता रामलल्लाचा आशीर्वाद घेऊन तुम्ही महाराष्ट्रात जाणार आहात, त्यामुळे तुम्हाला ऊर्जा आणि प्रेरणा मिळणार आहे, ही ऊर्जा आणि प्रेरणा या महाराष्ट्रामध्ये लोकांची सेवा करण्यासाठी, या महाराष्ट्राची प्रगती करण्यासाठी, या महाराष्ट्राचा विकास करण्यासाठी आपण वापरूया। पुन्हा एकदा मनापासून धन्यवाद इस राज्य के। फिर एक बार मैं यहाँ पर आदरपूर्वक हमारे अस्मिता का, जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, फिर एक बार मैं बार बार कहूंगा, इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वजह से ये राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। आणि म्हणून बाळासाहेबांचं स्वप्न कोण साकार करतंय, आणि म्हणून तुम्हाला मनापासून मी धन्यवाद देतो, फिर एक बार मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ प्रधानमंत्री महोदय जी का, जैसे और इस राज्य के मंत्री महोदय तो साथ में है कल से, स्वतंत्र देव जी,
और मुख्यमंत्री जी योगी जी, इन्होंने भी बहुत ही अच्छा हमारा ख्याल रखा, नियोजन किया, इसलिए उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनको उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ, योगी जी का, मोदी जी का और योगी जी का। और आप सभी लोगों को एकदम जैसे आए वैसे शांति से आराम से आप वापस जाइए सुरक्षित। सगळ्यांना मी शांततेत जाण्याचं आवाहन करतो। स्थानीय लोगों को कुछ तकलीफ हुई होगी हमारे यात्रा से, उनकी भी मैं क्षमा चाहता हूँ, दिलगिरी व्यक्त करता हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, बोलो बोलो सब संतन की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे जय श्री राम।